हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर घंटों मोबाइल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी आंखों में जलन होने लगती है। ये जलन जो लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी जो लाइट आती है, जो हार्मफुल रेज होती हैं, उनकी वजह से होती है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जनरली हमें ग्लासेस का यूज करना चाहिए। तो आज हम लोग उसी ग्लासेस का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उसकी टेस्टिंग भी करेंगे कि कितनी हार्मफुल होती है और उससे कैसे आप देख उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती हैं, वहां से आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर मिल जाएगा। मैंने जहां से मंगाया उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको इसके अंदर, मैं इसको एक बार ओपन कर चुका हूँ, तो जनरली ये पैक बॉक्स के अंदर पैक था। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से चीजें मिल जाती हैं। तो ये दो तीन तरह के ग्लासेस आते हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये ब्लू लाइट लैंप है, या ब्लू लाइट ये जो हार्मफुल लाइट है जो कि मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप से जो हार्मफुल लाइट निकलती है उसको टेस्ट करने के लिए लाइट है, जिससे आप चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ब्लू लाइट है और ये उस ब्लू लाइट का टेस्टर है। इस पे आपको टेस्ट करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमें बॉक्स में मिला हुआ है, इसके अंदर हमारा जो ग्लासेस हैं वो रखे हुए हैं। तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो ग्लासेस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ब्लॉक, यानी कि जो ब्लू रेज होती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं जो कि स्क्रीन से निकलती हैं, उनसे जो प्रॉब्लम होती है ये उस लाइट को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे आपको जो ग्लासेस हैं आपको कई कैटेगरीज में मिल जाते हैं, जैसे कि आप पूरी लाइट को ब्लू लाइट जो है ब्लू रेज हैं उनको पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर उससे फिल्टरिंग के लिए। तो जितना आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे उतने अच्छे अच्छे फीचर्स आपको अवेलेबल होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको, मैंने जो सनग्लासेस है ये बेसिकली जो हमारा ग्लास है जो आप देख रहे हैं, तो ये ब्लू ब्लॉकर है, यानी कि इससे ब्लू लाइट ब्लॉक हो जाएगी पूरी तरीके से। और अगर आप फिल्टर वाले ऑप्शंस पे जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्राइस और बढ़ेगा और आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये ब्लू सिर्फ हार्मफुल रेज को ही ब्लू ब्लॉक करता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लाइट है जो कि ब्लू लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखिए, अभी इसकी लाइट इस तरीके से आ रही है, आपको बल्ब क्लियर से नहीं दिख रहा होगा, और यहाँ से अगर मैं इसके अंदर से देखूँ तो यहाँ पे काफी लाइट जो है ब्लॉक हो जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर इसको जला के दिखा देता हूँ। देखिए, अभी ब्लू लाइट दिख रही होगी आपको, और जैसे मैं इसके अंदर से ले जाता हूँ तो ये ब्लू लाइट का काफी पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। देखिए, ब्लू लाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी और जो लाइट है वो ही यहाँ पे डिस्प्ले होगी। देखिए, ये लाइट है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये ब्लॉक हो जाती है। तो इस स्क्रीन पे आपको ब्लू दिखेगा, ये देखिए ब्लू लाइट दिख रही है, और जैसे इसके ऊपर से ले जाता हूँ तो ब्लू कलर गायब हो जाता है, मतलब ब्लू कलर जो है बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो हार्मफुल लाइट है वो इसके अंदर से पार नहीं होती है, ब्लॉक हो जाती है। तो बेसिकली ये तो जनरल तरीका होगा। हमारे पास ये टेस्टर है जिसपे हम लोग ब्लू रेज को टेस्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके ऊपर से इस पे ब्लू रेज डालें तो देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको हटा के और डायरेक्ट ब्लू रेज डालूं तो एक छोटे हिस्से पे ब्लू रेज डालता हूं तो ये देखिए डार्क पड़ जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये डार्क पड़ गया, ये इसका जो कलर है ब्लर हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को इसके ऊपर से डालता हूं तो देखिए इस पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हार्मफुल रेज हैं वो अंदर नहीं जा रही, तो इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो मैं अब इसको इस तरीके से रखता हूँ कि आधा जो है पोर्शन बाहर रहे, आधा ग्लास के अंदर रहे। अब मैं अगर ब्लू रेज इस पे डालता हूँ तो देखिए आधा वाला हिस्सा जो है कलर खराब हो जाएगा इसका, और बाकी के हिस्से का कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये सारी की सारी किट आपको अगर नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप परचेज करेंगे तो ये तीनों किट आपको एक साथ मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कितना फर्क पड़ा है, ऐसे ही हमारे आंखों के ऊपर फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा ग्लास के बाहर था वो कितना डार्क हो गया, और ये जो टेस्टर है वो थोड़ी देर बाद फिर से व्हाइट हो जाता है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये धीरे धीरे जो डार्कनेस थी वो गायब हो जाएगी, उसके बाद आप उसको फिर से टेस्ट करके बार बार देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही आंखों पर भी ब्लू लाइट जो स्क्रीन की लाइट होती है, चाहे वो मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, या फिर आपके कंप्यूटर की हो, तो वो लाइट आपकी आंखों पर ऐसे ही हार्मफुल इफेक्ट डालती है। हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं ये जो जो पट्टी है ये वापस से जो है व्हाइट हो गई है, इसका मतलब हमारी आंखें भी रिकवर होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो मैकेनिज्म होती है। लेकिन अगर हम बार बार लैपटॉप को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे उसको डैमेज करती जाती है।
तो अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं, दिन में 1-1.5 घंटे यूज कर रहे हैं, तब आपको कोई ग्लासेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह के ग्लासेस या तो ब्लू रेज जो ब्लॉकर है, जो ये पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप फिल्टर का यूज कर फिल्टर वाले ग्लासेस यूज कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ ब्लू रेज जो है वो फिल्टर होती है। तो इस तरीके से आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ग्लासेस खरीद सकते हैं। और इस ग्लासेस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां पे आपको ये ग्लास, आपको ये बॉक्स और इसके साथ आपको ये जो टेस्टर है और ये लाइट आपको साथ में मिलेगी, ये भी आपको उसी पैकेज के अंदर मिलेगा। तो इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, ये 400-500 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आप जो और अच्छे ग्लासेस लेना चाहते हैं तो आप 1000-1500-2000 जिस तरह से आप ग्लास लेना चाहते हैं प्राइस बढ़ाते जाएंगे, तो उतने ज्यादा फीचर्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इस ग्लास में आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट लग रहा है, यानी कि यहां से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका जो आप चाहे ग्लास लगा के और आप बिना ग्लास के देखें तो आपके कलर जो कलर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जो कि मैं जो सिस्का का ट्रिमर है, ट्रिमर प्लस ग्रूमिंग किट, उसका गिव अवे दे रहा हूं। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो पे जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप गिव अवे जीतते हैं तो आपको नया का नया ट्रिमर मैं ऑर्डर करूंगा आपके एड्रेस पे, तो आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। जनरली आपको उस वीडियो पे सारी डिटेल मिल जाएगी वहां पे जाके, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वो डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इससे बेटर अगर चॉइस है आपके पास तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। देखिए अब ये पूरी तरह से टेस्ट के लिए रेडी हो गई है, तो अब हम चाहें तो इस पर दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। इस बार मैं इस हिस्से को दबा रखता हूं, या फिर इस बार मैं इस तरीके से रखता हूं, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा लग सकता है कि हाफ पट्टी ही यूज की गई है बाकी, तो मैं इस तरीके से करता हूं। और अब मैं ब्लू रेज डालता हूं, देखते हैं क्या होता है इस पट्टी के साथ। जितने में ये कांच लगा हुआ है उतना हिस्सा बिल्कुल सही रहेगा, बाकी हिस्सा बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे उतना हिस्सा सिर्फ मैं इसको ऊपर उठा के दिखा देता हूं, देखिए उतना हिस्सा बिल्कुल वाइट है, बाकी हिस्सा डार्क हो गया है। तो ये इस तरीके से जो ग्लास है वो ब्लू रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब अगर आप बात करें कि क्या ये कलर को फिल्टर करता है, तो कलर को ब्लॉक नहीं करता। तो आप देख सकते हैं अगर आप ब्लू देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको लाइट आर पार हो रही है, आप देखेंगे कि लाइट तो नीचे तक जा रही है लेकिन ब्लू कलर की लाइट जो है वो गायब हो जा रही है। बाकी लाइट यहाँ पे देखिए, बाकी जो लाइट है वो जा रही है, जो हार्मफुल लाइट है उसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो इस तरीके का ग्लासेस पहनना आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर दीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको परचेस कर लेना चाहिए, कम से कम जो मिनिमम प्राइस वाला ग्लासेस है वो जरूर परचेस कर लेना चाहिए। और आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन देख सकते हैं, जैसे मुझे बिल्कुल लाइट डिजाइन पसंद है तो मैंने ये बिल्कुल लाइट डिजाइन वाला मंगवाया है अपने लिए। आप यहाँ पे हैवी डिजाइन या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप में, मैं यहाँ पे राउंड शेप पसंद करता हूँ तो मैंने राउंड शेप में मंगवाया, आप किसी भी शेप में इसको मंगवा सकते हैं। और आप वहां पे चेक भी कर सकते हैं आपके जो फेस पे कौन सा सूट कर रहा है। इसके अलावा इसमें रिटर्न का, अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसमें रिटर्न के ऑप्शन भी होते हैं, तो आप मंगवा के यूज करके रिटर्न भी कर सकते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो आप वहां पे